रिमूवल ऑफ डायरेक्टर. लेकिन रिमूवल ऑफ डायरेक्टर पे जाने से पहले मैं आपको समझा रही थी प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में मैं आपको ये बता रही थी कि डायरेक्टर्स को जब शेयर होल्डर्स सेलेक्ट करते हैं, अपॉइंट करते हैं, तो वो वोटिंग के माध्यम से होता है. तो वोटिंग में क्या होता है कि सपोजिंगली हमें 4 डायरेक्टर्स अपॉइंट करने हैं, तो अगर मैं अपने सारे वोट्स ए को देती हूँ, तो अगर वो ए सेलेक्ट हो जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, तो मेरे वोट काम के आ जाते हैं. लेकिन अगर ए सेलेक्ट नहीं होता है, जैसे हम अपने इलेक्शंस में भी जब हम एक कैंडिडेट को वोट देके आते हैं और वो सेलेक्ट नहीं होता है, तो हमारा वोट बेकार हो जाता है. तो कंपनीज एक्ट 2013 में हमारे मेंबर्स का वोट की मेंबर्स के वोट की वैल्यू बनाए रखने के लिए और इन ऑर्डर टू एंश्योर कि उसका वोट बेकार ना हो, एक तरीका अपनाया गया है, दैट इज़ कॉल्ड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, जिसमें कि ये होता है कि बजाय अब सारे वोट्स अपने एक पर्सन को देने की बजाय यू गिव प्रेफरेंस. कि जैसे ए को मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस है कि फर्स्ट अगर ए आएगा तो मेरी सारी वोट्स उसको चली जाएंगी. मेरी सेकंड प्रेफरेंस बी के लिए है कि अगर ए हार जाएगा देन माय वोट्स विल बी काउंटेड इन फेवर ऑफ बी, और अगर बी के लिए नहीं होगा देन माय वोट्स विल बी काउंटेड इन फेवर ऑफ सी. तो ये इसको कहते हैं हम प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. और ये दोनों तरीके से होता है, ये शो ऑफ हैंड से भी हो सकता है, और इसके दो तरीके होते हैं, या तो आइदर बाय गिविंग दी प्रेफरेंसेस जो कि हम अपने पोलिंग के माध्यम से दे देते हैं, और या फिर एक लिस्टिंग प्रोसीजर होता है जो थोड़ा सा टेक्निकल होता है, जिसमें 4 ऑप्शंस दी जाती हैं. लेकिन मैं आपको वो भी समझाऊंगी अच्छी तरीके से, जिससे कि मैंने आपको बताया कि आपको सभी बातें पता होनी चाहिए. जो बच्चे पढ़ रहे हैं, जो बच्चे रेगुलर व्यूअर्स हैं, उनको सब बातें पता होनी चाहिए. अब जो नहीं पढ़ रहे हैं, मैंने आपको पहले भी कहा था वी हैव 89 स्टूडेंट्स, लेकिन अब यही हमारे 25-30 स्टूडेंट्स आते हैं क्लास के लिए, कोई बात नहीं. सो दिस इज कॉल्ड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में भी यही होता है कि आप या तो स्ट्रेट वोट कर दीजिए, दैट इज इन फेवर ऑफ ए और इन फेवर ऑफ बी और इन फेवर ऑफ सी और इन फेवर ऑफ डी, और या फिर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, क्योंकि स्ट्रेट वोटिंग में वोट बेकार भी चले जाते हैं. अब इसी सब को इंश्योर करने के लिए ही ई वोटिंग भी रखा गया है, पोस्टल बैलेट भी रखा गया है, सो दैट मोर एंड मोर पीपल कैन पार्टिसिपेट इन वोटिंग प्रोसीजर. तो जब ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन होता है, वी मेक चॉइसेस. कि जैसे आपका एग्जाम का भी सेंटर आता है तो आपसे 3 ऑप्शंस ली जाती हैं कि आप फर्स्ट प्रेफरेंस बताइए, सेकंड प्रेफरेंस बताइए, थर्ड प्रेफरेंस बताइए, उसके बाद फिर आपको सेंटर्स दिए जाते हैं. तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में आप प्रेफरेंस वाइज आप दे देते हैं कि ए के लिए मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस है, डी के लिए मेरी सेकंड प्रेफरेंस है, बी के लिए मेरी थर्ड प्रेफरेंस है और सी के लिए फोर्थ है. तो इन केस ए इज नॉट गेटिंग दी एब्सोल्यूट और रिक्वायर्ड मेजॉरिटी, इन दैट केस माई वोट टर्न अप टू डी. And if D again does not get the required majority, then my votes are counted in favor of B. So if this is the procedure by which the votes do not get wasted. तो अब हम removal शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले होता है shareholders. और मैंने ये भी बता दिया आपको कि हमारा section 62 है जो हमें ये बता देता है कि एक रेजोल्यूशन से हम कई डायरेक्टर्स को अपॉइंट नहीं कर सकते. हमारे को एक रेजोल्यूशन से एक ही डायरेक्टर एक टाइम में अपॉइंट होगा, और अगर हम चाहते हैं कि हम मोर देन वन डायरेक्टर को हम एक रेजोल्यूशन से अपॉइंट करना चाहते हैं, तो फिर हमें सबकी कंसेंट चाहिए. कि अगर सारे मेंबर्स कंसेंट देते हैं कि हाँ चलो ठीक है कर लो, देन ओनली वी कैन डू, अदरवाइज हम सिंगल रेजोल्यूशन से सिंगल डायरेक्टर को ही अपॉइंट कर सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं कर सकते हैं. तो अब क्या होता है कि सबसे पहले शेयर होल्डर्स रिमूव करने की बात पर आते हैं. तो शेयर होल्डर्स रिमूव कर सकते हैं, लेकिन अगर उस डायरेक्टर का सिलेक्शन ट्राइब्यूनल ने किया है या अगर उस डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ने किया है, तो शेयर होल्डर्स या इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है या स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर है, तो शेयर होल्डर्स टाइम से पहले उस डायरेक्टर को रिमूव नहीं कर सकते. और अगर उन्हें रिमूव करना है ऐसे किसी डायरेक्टर को, तो सबसे पहले उन्हें कोई चार्ज जो भी है वो प्रूव करना पड़ेगा, और उस चार्ज को सिद्ध करने का उन्हें उसको टाइम देना पड़ेगा. उसके बाद इसी तरीके से जो शेयर होल्डर नंबर एक, the directors appointed by the tribunal or
the directors appointed by NCLT etc. Inco shareholders cannot remove without giving them an opportunity कि आप हमें बताइए कि हम आगे ट्राइब्यूनल को या किसको क्या जवाब दें. इसी तरीके से जो डायरेक्टर्स प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से आए हैं, उनको भी उनमें से सिर्फ जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन से आए हैं उनका भी हम सिर्फ वन थर्ड रिमूव कर सकते हैं, बाकी उससे ज़्यादा हम रिमूव नहीं कर सकते. तो यानी कि कंपनी बाय ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन रिमूव ए डायरेक्टर नॉट बीइंग अपॉइंटेड बाय ट्राइब्यूनल और अदरवाइज बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ हिज ऑफिस आफ्टर गिविंग हिम ए रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड एंड देन फर्दर ए कंपनी कैन नॉट रिमूव दोज वेयर नॉट लेस देन टू थर्ड ऑफ द टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर हैज बीन अपॉइंटेड अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. उसके बाद अब प्रोसीजर शुरू होता है. तो हमें क्या देना है, स्पेशल नोटिस. इनको रिमूव करने के लिए हमें देना है स्पेशल नोटिस शुड बी रिक्वायर्ड फॉर एनी रेजोल्यूशन टू रिमूव आइदर और टू अपॉइंट एंड आफ्टर दैट ऑन रिसीट ऑफ द नोटिस जब हमें ये नोटिस दिया जाता है द डायरेक्टर कंसर्न मेक्स विद रिस्पेक्ट द रिप्रेजेंटेशन इन राइटिंग कि आप ये क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए या करना चाहिए, मतलब कि अपना जवाब मीटिंग में देना. और अगर ये अपना जवाब टाइम पर तैयार कर देता है तो ये जब हमारा एजेंडा जाता है सभी शेयर होल्डर्स को तो उसके साथ में उसका जवाब भी सबको भेज दिया जाता है. लेकिन अगर ऐसा नहीं पॉसिबल है, उसका जवाब लेट तैयार होता है, तो वो जवाब फिर अगर चेयरमैन की परमिशन से वो जवाब मीटिंग में पढ़ दिया जाता है. उसके बाद अगर जो ये वैकेंसी क्रिएट हुई है रिमूवल ऑफ डायरेक्टर की वो अनदर डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट से फुलफिल हो जाती है. और उसके बाद अगर ये वैकेंसी फुलफिल नहीं हो पाती है उसके बाद बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रीअपॉइंट भी डायरेक्टर को कर सकते हैं. सो इन दिस वे द रिमूवल ऑफ द डायरेक्टर कैन बी डन बाय द शेयर होल्डर. फर्स्ट ऑफ ऑल द शेयर होल्डर्स कैन नॉट रिमूव द डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय द ट्राइब्यूनल एंड सेकेंडली दे कैन नॉट रिमूव द डायरेक्टर्स अपॉइंटेड अंडर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. देन थर्डली दे हैव टू गिव स्पेशल नोटिस टू रिमूव ए डायरेक्टर or to appoint another director in place of the removed director. That receipt, when the director received the notice, he prepare his answer or he prepare his statement. That statement is sent to all the members along with the agenda if the time so permit. But if there is no time, his statement is read in the meeting if chairman permits. A vacancy created by the removal of the director may be filled by appointment of another director at the same meeting, and a director so appointed shall hold office till the date up to which his predecessor would have held office if he had not been removed. And if the vacancy is not filled as per above, it may be filled as a casual vacancy in accordance with the provisions of the Act. And now we move on to removal by tribunal. कि tribunal कैसे remove कर सकते हैं, you know tribunal has all the powers to remove a director in that case when there is operation, that is mismanagement or the exploitation of the shareholder. After that we have resignation by the director himself. कि वो अपने आप भी रिजाइन कर सकता है. कि डायरेक्टर में रिजाइन फ्रॉम हिज ऑफिस बाय गिविंग ए नोटिस इन राइटिंग टू द कंपनी एंड द बोर्ड ऑन रिसीट ऑफ नोटिस एंड द कंपनी शैल इंटीमेट द रजिस्ट्रार इन प्रिस्क्राइब्ड मैनर एंड विद इन प्रिस्क्राइब्ड टाइम एंड ऑल्सो प्लेस दिस फैक्ट इन द मीटिंग
so that everybody, every member should come to know about the reasons of his resignation. The resignation of the director shall take effect from the date on which the notice is received by the company. And then finally, vacation of office by the director. Vacation of office by director. Vacation of office by director. The office of the director shall become vacant if he incurs any of the disqualification, if he absents himself from the meetings of the board of directors held during a period of 12 months with or without seeking leave of absence of the board, he acts in contravention of the provisions of section 184, that is relating to entering into contracts of related parties, he fails to disclose his interest in any of the contracts, he becomes disqualified by the order of the tribunal, he is convicted by the court for any offence, and if a person functions as a director, even when he knows that the office of director held by him has become vacant because of any reason that qualifies for disqualification, and he shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 1 year or with fine which shall not be less than 1 lakh rupees. Mismanagement in the affairs of the company, bilkul cheap, but which may extend to 5 lakh rupees or both. Where all the directors of the company vacate their office under any of the disqualification specified in subsection 1, the promoter in his absence or the central government shall appoint the required number of directors. So, bacho, now we move on to the powers of the director, and after that we have duties and liabilities of the directors. So, अभी हमारा number बहुत 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 ही thin है और हम इसीलिए अभी इसको यहीं पर रोकते हैं removal को. और मुझे आपको IBC revise कराना था जो कि बहुत एक important है आपको जानना. हाँ, लेकिन मैं एक छोटा सा जाते जाते आपको एक सत्यम का case करा देती हूँ क्योंकि थोड़ा सा interesting आपको पता नहीं लगता है कि नहीं लगता है. हाँ, I feel very enthusiastic के नई नई चीज़ें मुझे जानने को मिले. सो दिस इज सत्यम का. ये सत्यम जो कंपनी थी, इट इज़ कंप्यूटर कंपनी, बहुत ही नेम फेम वाली कंपनी थी आपको पता है, और ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी थी. आप इसके बारे में इंटरनेट से पढ़िएगा. ये थोड़ा सा जाने से पहले बता देती हूँ कि ये जो हमारे NCLT, NCLAT और ये सरफेसी एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, मनी लॉन्ड्रिंग जो हम बाहर से जो लोग आते हैं फॉरेन एक्सचेंज में गड़बड़ करते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग इनके लिए है, सरफेसी एक्ट है हमारा सिक्योरिटी रिकंस्ट्रक्शन के लिए, और इसी तरीके से हमारा ये अभी कोड है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड. तो ये सब हमारे लेटेस्ट एग्जाम्पल है इन ऑर्डर टू प्रोवाइड ट्रांसपेरेंसी, ट्रू एंड फेयर व्यू, एंड टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द क्रेडिटर्स and to restore the confidence of investors in the corporate world. तो क्या हुआ था बच्चों कि ये सत्यम कंपनी है, फेमस कंप्यूटर कंपनी थी, हैदराबाद की कंपनी है, और ये 1989 में बनाई गई थी. This was formed in 1989. और 1991 में इतना अच्छा इसने काम किया. मैं इसके प्रमोटर वगैरह के बारे में नहीं जान रही हूँ. कंप्यूटर केस बिल्कुल ठीक, दीपाली ने कहा मैनिपुलेटेड द फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन, बिल्कुल ठीक. तब क्या हुआ कि 1989 में ये फॉर्म की गई थी. नाम जानने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे बस इसके केस से मतलब है. तो 1991 में ये BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई, और उसके बाद इसका इतना अच्छा इसका ग्राफ ऐसे चला ऐसे, तो इसीलिए ये बढ़ती चली गई बढ़ती चली गई. और 2001 में ये न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में भी लिस्ट हो गई, और इसको इसके ओनर को भी और इसके कंपनी के एम्प्लॉयज़ को भी और सभी को इन्फ्लेटेड प्रॉफिट सो दैट हिज शेयर प्राइस राइज, बिल्कुल ठीक. यही थी बैकग्राउंड, और सभी को पता हो है, बहुत ही अच्छी बात है. हम एक बार बस डिस्कस कर लेते हैं कि ये 1991 में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई, 2001 में न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई, और टाइम टू टाइम इसके ओनर्स को और इस कंपनी को अवार्ड्स भी मिलते रहे. कभी प्रोडक्टिविटी का अवार्ड मिला, कभी किसी और बात का अवार्ड मिला, कभी किसी चीज़ का अवार्ड मिला, तो इसको अवार्ड मिलते चले गए, और कंपनी बहुत ही अच्छा काम कर रही थी. लेकिन अचानक से क्या हुआ कि जैसे ही पता चलता है आपको कि जब कोई बहुत अच्छा काम करता है तो विनाश काले विपरीत बुद्धि, तो उसी तरीके से क्या हुआ कि ड्यूरिंग दिस 2001
there was a boom in real sector. Real sector में जबरदस्त यानी property area में जबरदस्त boom चल रहा था. Boom का मतलब ये कि property खरीदने का बहुत ज़्यादा window dressing to give rise in it. बिल्कुल ठीक. तो क्या हो रहा था कि बहुत ज़्यादा real sector में boom चल रहा था, बहुत ज़्यादा increase चल रहा था. तो इन्होंने और एक सत्यम का उल्टा यानी के ये सत्यम का उल्टा होता है M A Y T A S यानी के मेटस. ये सत्यम का उल्टा मेटस. इन्होंने दो अपनी सब्सिडियरी कंपनी भी बनाई, मेटस इंफ्रास्ट्रक्चर और मेटस दिस कंस्ट्रक्शन कंपनी. इसलिए ये रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए. तो रियल सेक्टर का जबरदस्त बूम था और ये बहुत जबरदस्त तरीके से लैंड खरीदते जा रहे थे. और एक ये मेट्रो लाइन हैदराबाद में से जा रही थी और इन्होंने इसके आसपास की ये सारी लैंड धीरे धीरे करके खरीदनी शुरू कर दी. लेकिन अब ये खरीदने के लिए पैसे भी चाहिए. तो इन्होंने उस पैसे को खरीदने के लिए क्या किया कि फ्रॉड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फ्रॉड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फ्रॉड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे किया इन्होंने कि मान लीजिए सेल हुई है 60 करोड़ की, तो इन्होंने दिखाया 600 करोड़. तो जब इतना इन्होंने दिखाया तो उसकी वजह से क्या हुआ कि इनके शेयर प्राइजेस बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ रहे हैं, शेयर प्राइजेस बढ़ रहे हैं. और इन्होंने क्या किया कि अपने शेयर्स को सेल करना शुरू कर दिया. और जो बाकी इनके फ्रेंड्स अपने जो रिलेटिव्स के शेयर्स थे कुछ थे उसको कोलेट्रल सिक्योरिटी रख के, कोलेट्रल का मतलब होता है बंधक रखना. जो हमने आईबीसी में भी देखा था कि ट्राइब्यूनल में हमारे आईबीसी में हमारे दो टाइप के क्रेडिटर्स होते हैं, फाइनेंशियल क्रेडिटर जो हमारे आईबीसी और फाइनेंशियल क्रेडिटर मैंने बताया है आपको, और दूसरा होता है ऑपरेशनल क्रेडिटर. तो फाइनेंशियल क्रेडिटर हमारे वो होते हैं जिन्होंने कोलेट्रल सिक्योरिटी ली हुई होती है कि कोलेट्रल सिक्योरिटी रख के यानी बंधक रख के उन्होंने पैसे दिए रहते हैं. और ऑपरेशनल वो होते हैं जिन्होंने कोई गुड्स और सर्विस सप्लाई किया होता है या कोई जो एम्प्लॉयमेंट में होता है वो. तो इन्होंने अपने शेयर्स को कोलेट्रल रख के उससे लोन ले लिया, उस पैसे को भी उस पैसे को भी लैंड में लगा दिया खरीदने में. इसी तरीके से अपने शेयर्स बेचते चले गए और शेयर्स बेचते 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 इनका कंपनी में ओरिजिनली शेयर था 24%, जो बेचते बेचते लास्ट में इनका सिर्फ रह गया 2%. और जो भी पैसा इनका सारा का सारा आया वो इन्होंने लैंड में लगाते चले गए. अब क्या हुआ कि जो भी अब क्या अब और पैसे चाहिए, और पैसे चाहिए, और पैसे चाहिए, कि जो भी पैसे थे वो गिरते जा रहे थे. तो इन्होंने कहा कि सेल्स इनवॉइस झूठी बनानी शुरू करी. सेल्स थी नहीं लेकिन इन्होंने सेल्स इनवॉइस झूठी बनानी शुरू करी. लेकिन अब सेल दिखा रहे हैं तो प्रॉफिट भी होना चाहिए, क्योंकि सेल प्रॉफिट के बगैर तो होता नहीं है. तो वो कहाँ है प्रॉफिट, कि सेल्स तो दिखाते जा रहे हैं लेकिन बैंक में प्रॉफिट कैसे आ रहा है. तो उन्होंने फेक कैश रिजर्व्स दिखाने शुरू कर दिए कि भाई हाँ हमारे पास तो इतने पैसे हैं, और फेक कैश रिजर्व. और इसी तरीके से उन्होंने अपनी 250 कंपनी सब्सिडियरी कंपनी फेक कंपनी बना दी. अपने एम्प्लॉयज़ को भी उसमें डायरेक्टर बना दिया, अपने फ्रेंड्स को भी उसमें डायरेक्टर बना दिया, सभी को इस तरीके से बना दिया. लेकिन अब क्या हुआ कि 2008 के रियल एस्टेट के क्रैश ने रियल एस्टेट में मार्केट क्रैश कर गई. तो जो इनका ये जो सपना था मेट्रो लाइन के, मेट्रो लाइन के दोनों तरफ ज़मीन खरीदना और उसको एग्जॉर्बिटेंट प्राइस पर बेचना, और उनको था कि हम जो एग्जॉर्बिटेंट प्राइस पर बेचेंगे तो उससे जो पैसा आएगा वो जो हमने यहाँ पर सब जो हेरा फेरी कर रखी है, जो हमारा ये ग्राफ, ये जो सारा कैश हमारा नीचे आ गया है और ये जो हमारा हेरा फेरी बढ़ती जा रही है, हम इस गैप को कवर कर देंगे. अब ये गैप तो 2008 के रियल एस्टेट के क्रम मार्केट क्रैश हो गई, सारा रेट धड़ाम देने से नीचे गिर गए. अब ये तो हो नहीं सकता था, अब क्या करें. तो इन्होंने कहा कि एक और तरीका है कि ये जो दो हमारी मेटस कंपनीज हैं, ये रियल एस्टेट कंपनी और इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी, ये जो हमारी दो कंपनी है, हम इसको जो हमारी सत्यम कंपनी है इसमें खरीद लेते हैं. इसको अभी जो आपने कहा एमलगमेशन,
कि ये दो कंपनी जो है, ये हमारा दूसरा तरीका था. पहला तरीका तो हमारा अब धड़ाम हो गया अपने ये लॉसेस को वाइट करने का, ठीक करने का. ये तो हमारा तरीका बिल्कुल फॉल्सिफाई हो गया और हमारा अभी हम फेल आने के कगार पे आ गए. शेयर भी हमारे 2% रह गए थे. तो अब हमने कहा कि हम ये जो दो कंपनी है इनको खरीद लेते हैं सत्यम में, इनको एमलगमेशन कर लेते हैं, टेक ओवर कर लेते हैं. और हमारा उससे क्या होगा कि हम ये दिखाएंगे ये जो हमारे सारे जो पैसे गए हैं, ये जो कंपनी से सारे पैसे गए हैं, ये इनको खरीदने के लिए गए हैं. ये पैसे हमारे खरीदने के लिए गए हैं. अब ठीक है, इन्होंने अपनी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग करी, उसमें इन्होंने अपना वो इस रेजोल्यूशन पास किया और खरीदना शुरू भी कर दिया, वो प्रोसीजर शुरू कर दिया. लेकिन अब शेयर होल्डर्स ने अपनी यहीं पर देखो बात आती है एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मीटिंग, जिसमें कि बोर्ड भी बुलाता है, रिक्विजिशनिस्ट भी बुलाते हैं. उन्होंने मीटिंग करी, उन्होंने कहा कि नहीं, वी वोंट अलाउ दिस थिंग, हम ये एमलगमेशन को अप्रूव नहीं कर रहे हैं, हमें इसमें कोई फिशी थिंग की स्मेल आ रही है एंड वी आर नॉट अप्रूविंग दिस थिंग. तो अब ये इनका दूसरा रास्ता था. अब ये जब दूसरा रास्ता इनका फ्लॉप हो गया तो फिर ऑब्वियसली ये फिर गवर्नमेंट के पास गए और उन्होंने कहा कि भाई हाँ, हमने इस तरीके से ये कई और ये बच्चों कई लैक्स करोड़ की स्कैम था,